हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एवरीडे न्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल चुका है 2020 का पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं जूनियर क्लर्क एंड जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए निकल चुका है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका क्वालिफिकेशन आपको एनए डिग्री रखे मांगा गया है। इसका एज लिमिट 21 से 32 वर्ष रखा गया है। इसका टोटल वैकेंसी 123 पोस्ट दिया हुआ है। ओनली ओडिशा कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में पूरा फुल जो भी शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ उसका बारे में पूरा फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें एंड इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पीडीएफ में आ चुके हैं। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन 30/12/2019 को हो चुका था। इसका एडवर्टाइजमेंट कमेंट रिक्वायरमेंट 19 पोस्ट फॉर जूनियर क्लर्क इन ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ओडिशा कटक, 103 पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क फॉर द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर, एक पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट फॉर द ऑफिस कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ओडिशा भुवनेश्वर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिल आपको जॉब दिया जा रहा है। उसके बाद कुछ भी डिटेल्स आपको देख सकते हैं। पोस्ट कोड JC106 एंड JC144 दिया हुआ है। वेबसाइट आप देख सकते हैं www.ossc.gov.in पर विजिट करते रहिए, उसके बाद फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ कोई भी आपको डेट दिया हुआ नहीं है। इसका ऑनलाइन अप्लाई कब किया जाएगा, इसका एंड डेट कब है यहाँ आपको दिया हुआ नहीं है। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ज़रूर इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, या तो आप ossc.gov.in पर जाके विजिट करते रहिए तो वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन चॉइस, तो कैंडिडेट एक्सरसाइज ऑप्शन चॉइस ऑफ द पोस्ट ऑर्डर प्रेफरेंस हुई तो द प्रेफरेंस सिलेक्टेड आप कर सकते हो। ऑप्शन चॉइस दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हो जूनियर क्लर्क 122 है एंड जूनियर अकाउंटेंट एक पोस्ट दिया हुआ है। डिटेल्स कैटेगरी वैकेंसी पोजिशन एंड वैकेंसी रिजर्वेशन फॉर स्पेशल कैटेगरी एक्सरवेशन PWD स्पॉट पर्सन विल बी नोटिफाइड द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, यहाँ देख सकते हैं बेसिस ऑफ पे का फर्स्ट ईयर में आपको 8,880 पर मंथ दिया जाएगा फर्स्ट ईयर। उसके बाद पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क यहाँ देख सकते हैं 9,500 पर मंथ फर्स्ट ईयर दिया जाएगा। उसके बाद GNPG आपको लागू किया जाएगा। उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर होने के बाद ही आपको फुल पेमेंट आपको जो भी उसका दिया हुआ है वो आपको मिलेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं एज की बात करें 21 वर्ष मिनिमम दिया हुआ है और मैक्सिमम आपको 32 वर्ष रखा गया है। उसके बाद रूल फॉर SC ST SC BC ओमेन एंड PWD एंड एक्सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ कैंडिडेट मोस्ट ऑफ +3 आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस अदर क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड +3 एग्जामिनेशन विथ कंप्यूटर नॉलेज भी आपको रहना चाहिए। उसके बाद प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद सेकेंड में आपको मेन रिटेन एग्जाम, थर्ड में कंप्यूटर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट एंड फोर्थ में सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन। रिफर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट पैटर्न एंड सिलेबस, नेक्स्ट जो भी आएगा आपको एडवर्टाइजमेंट फुल नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं, दो कैंडिडेट अदर देन SC ST एंड PWD सेल इनको कोई अप्लाई फी पेमेंट देना नहीं है। उसके बाद जनरल SC BC OBC कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ 200 का चालान भरना होगा, वो भी ऑनलाइन थ्रू। आप देख सकते हैं पूरा फुल नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा सिलेबस क्या रखा गया है उसका क्या डिटेल्स फुल आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। तो इस YouTube चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।